दोस्तों नमस्कार। समास, समास हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण विषयांश है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाना समास कहलाता है, और दो या दो से अधिक शब्द जब बन जाते हैं तो इनका विग्रह भी होता है, और इस प्रकार बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है, और इन समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे महारानी, महारानी का जो विग्रह करेंगे तो आएगा महान रानी। तो इस प्रकार महारानी एक समास विग्रह हो गया। और समास के छह भेद होते हैं, और इनमें छह भेदों में पहला तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्म धारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इस प्रकार छह समास के भेद होते हैं। और पहला होता है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल अर्थात राजा का महल, पूजा घर अर्थात पूजा के लिए घर। अव्ययीभाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर बना समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, यथाशक्ति अर्थात। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल अर्थात नीला कमल। तो दोस्तों ये जो विशेषता बताने वाला है कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान ना हो और कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन अर्थात दस हैं सिर, इसके अर्थात रावण। द्विगु समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम अथवा पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच रत्न अर्थात पांच रत्नों का समूह कहते भी हैं सीधे सीधे कि संख्यावाचक द्विगु समास। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में बीच और शब्द आता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा रानी अर्थात राजा और रानी, राजमहल राजा का महल। इस तरह ये द्वंद्व समास के साथ ये छह समास होते हैं जो बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है।